बात कुछ ऐसी कि लगभग आधे घंटे पहले मेरे पास मैनेजर का कॉल आया था कि भाई जोधपुर हमारा कुछ फंक्शन है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो उस फंक्शन में जाने वाले हम लोग। तो उस फंक्शन में मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैं अभी तक ऐसे फंक्शन में नहीं गया हूँ और ऐसे मैंने व्लॉग्स भी आपको नहीं दिए, तो देखते हैं लेट्स सी कि कितना मज़ा आता है आपको इस फंक्शन में। तो अभी मैनेजर जी आने वाला है लगभग, तो अभी सीधा आप मिलेंगे जोधपुर के अंदर। तो फाइनली महेंद्र जी भी आ चुके हैं। तो महेंद्र जी आज कौन सा फंक्शन में जा रहे हैं हम लोग? आज हम जा रहे हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस है, तो फिर फोटोग्राफर का आज मेला लगा हुआ है जोधपुर में, वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, तो मैंने आपको पहले बताया था यही है, तो अभी हम चलते हैं सीधा। कहाँ पर है जोधपुर में? जोधपुर में अपने बाईपास पे, जोधपुर के जो भी बड़े बड़े फोटोग्राफर वहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, तो वहाँ पे आएंगे और हम वहाँ पे मिलेंगे आपसे। ठीक है, वहाँ पे आप इंजॉय करेंगे हम दोनों, तो देखना पूरा व्लॉग को आप। चलो अभी। फाइनल गाइस हम लोग आ चुके हैं होटल पे, होटल इंद्रप्रस्थ, वो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, इतने सारे मेहमान आ चुके हैं। और ये जो फोटोग्राफी लगा हुआ है हमारे होटल में, छोटा सा स्पेस है, सुनिए आप भी। 16 तारीख को तो ये पोस्टपोन कर दिया ना, कि 16 को वापस नाश्ता हो चुका है, अभी प्रोग्राम चालू होने वाला है, तो कल का मिलते हैं और हम सब हैं। और साथ हमारे सामने क्या थे? अटल बिहारी मोदी।
ये हमारे सामने लिखते थे, अब हम तो क्या थे, एक बार बोलता हूँ आप चाहे आए या चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। An hour later. अभी लगभग सेमिनार खत्म होने वाला है तो हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। उससे पहले कुछ फोटो शूट्स कर रहे हैं तो आप देखिए, दो घंटे हो गए हमें यहाँ पर आए हुए। लिटरली आपको बता रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को। तो ये देखिए बगीचा, यहाँ पर कुछ फोटो शूट्स हो रहे हैं। रसोई है मेरे ख्याल से, और इस तरफ और यहाँ पे अपना रिसोर्ट जहाँ पे हम रुके हुए हैं, लगने में तो ठीक ही लग रहा है। A few moments later. तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं और घर नहीं जाने वाले हैं, कुछ मैनेजर का कुछ काम है, कुछ एल्बम का वगैरह। जोधपुर जाने वाले मेन सिटी में जो काम है वो काम करके फिर उसके बाद सीधा घर जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर जाना है हम लोग। सेमिनार सदर इसके लिए आए हुए हैं यहां पर, ठीक है। One hour later. So finally guys, गांव आ चुका हूँ वापस। लगभग डेढ़ घंटे के आसपास लगा है टाइम राइडिंग के दौरान। आपको पता है जोधपुर कितना दूर है, अब वो बात छोड़ो और मैं बात करता हूँ। गाइज जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लिप में मैं बोला नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि जोधपुर में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है और शोर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से मैंने सोचा बोलूँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि माइक तो साथ लाया नहीं मैं। पता नहीं क्यों बोलता हूँ यार, ऐसे प्रोग्राम में भूल जाता हूँ मैं। बट कोई बात नहीं, जो भी है आपको व्लॉग पसंद आएगा। तो अभी मैं घर पे जाता हूँ, थोड़ा सा ठीक हो जाता हूँ, ठीक है। Few minutes later. तो फाइनली गाइस वक्त आ चुका है व्लॉग को एंड करने का। तो आई होपफुली आपको व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो आपको जैसे कि मैं रोज़ बोलता हूँ कि लाइक करना है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना है। मेरा जो वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, लगभग दो हफ्ते हो गए हैं मेरी वीडियो को आए हुए, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू करने की वापस कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे हमेशा कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक जय हिंद जय महाराष्ट्र।